गुड मॉर्निंग गाइस। तो यार मैं कल मुल्तान ही हूँ। मैं रात अपने दोस्त के यहाँ स्टे किया था, हमने प्रोजेक्ट की डिस्कशन वगैरह करनी थी, वो सारी हमने कर ली। और साथ ही मैंने उनके रेफरेंस से मैंने कुछ चीज़ें मंगवानी थी किसी और से, तो वो भी हमने कर लिया था। फिर वो बाद में हम वो ले लेंगे। तो उससे पहले अभी मैंने जाना है बीजीयू, हमें कुछ काम है थोड़ा बहुत, तो अभी चलते हैं बीजीयू। लेकिन उससे पहले हमने कुछ फॉर्म वगैरह निकलवाने हैं, तो उससे पहले अब ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम। तो आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। अच्छा यार, जब भी मैं मेट्रो पे बैठता हूँ रश इतना ज़्यादा होता है कि जगह नहीं होती बैठने की। अभी मैं 6 नंबर से बिजी पहुँचा हूँ, तो इतना ज़्यादा रश था, स्टूडेंट इतने ज़्यादा थे कि बैठने की जगह नहीं मिली। हम सारा खड़े होके आए हैं। तो अभी पहुँचे हैं बिजी की एंट्री गेट पे, तो अब चलते हैं, जो काम है वो हमने निपटाना है, तो अभी चलें काम। कोई भी लोग आते हैं तो लाइन में लग के उन्हें सिक्योरिटी क्लियर करनी पड़ती है, देन ही उसको फिर इंटर होने दिया जाता है। अच्छा यार, सीन कुछ इस तरह से हुआ है, जब हम जा रहे थे बीजीयू तो हम चले गए थे मेन बीजीयू पर, हमें जाना था किसी और डिपार्ट, मतलब जो एग्री का डिपार्ट है मैकेनिकल का, वहाँ हमने जाना था, पर हम बड़े ख्वार हुए, बड़े दलील हुए। अच्छा जी, तो अभी हम मुल्तान हैं, तो अभी निकलने लगे हैं जलालपुर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सिटी पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं ऑफिस की तरफ, वहां से हमने बाइक वगैरह उठानी है, फिर निकलेंगे अभी घर की तरफ, तो अभी चलते हैं ऑफिस की तरफ। हम बीजीयू से 3 बजे फ्री हो गए थे, एक दोस्त वहाँ खड़ा था, तो फिर मैं उसके साथ चलाया था डेरी अड्डे पे, यहाँ से फिर हमने करवाई टिकट, तो अभी 1 घंटा हो गया यहाँ पहुँचे हैं। वैसे अगर हम सुजाबाद का रास्ता आते तो फिर हमें 2 घंटे लग जाते, सीख पैक ने हमारे लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा कर दी। अच्छा यार, अभी हम ऑफिस पहुँच चुके हैं, तो अभी मैंने करनी है पैकिंग वगैरह, लैपटॉप भी लेके जाना है साथ में, जो कपड़े वगैरह खड़े हैं वो भी हमने साथ लेके जाने हैं, तो भी करते हैं फटाफट से पैकिंग, फिर निकलते हैं घर की तरफ, टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, तो जल्दी जल्दी करते हैं पैकिंग। पैकिंग वगैरह हमारी सारी हो गई है, अब निकलते हैं दूसरे कमरे से बाइक, तो फिर निकलते हैं घर की तरफ, टाइम बिल्कुल नहीं शॉर्ट है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। यार मैं जल्दी जाने की क्यों कोशिश कर रहा हूँ, उसकी मेन वजह ये है कि अब मैं जाऊँगा दरिया पे, तो वहाँ कश्ती वाला कोई नहीं होगा, तो मुझे जल्दी जाना चाहिए ताकि फिर वहाँ कोई ना कोई खड़ा होगा, ताकि फिर कश्ती पे सवार होकर हम दूसरे साइड पर चले जाएँ, हम इस वजह से जल्दी कर रहा हूँ। तो अभी चलते हैं जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ, तो पहले दरिया क्रॉस करना पड़ेगा, देखते हैं कि कोई कश्ती वाला है या नहीं है, तो चले चलते।